हेलो एंड वेलकम टू द हुनरमैन शो। आदिल हसन खान मौजूद है हुनरमैन शो के साथ। आज हम बात करेंगे गदर दानी पर। तैमूर लंका समरकंद का रहने वाला था। दराज का मजबूत जिस्म का मालिक और इंतहाई ताकतवर था कि दोनों हाथों से तलवार चला सकता था। इसके फन हर्ब की महारत इस और सियासी बसात का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे पूरी जिंदगी में कभी शिकस्त नहीं हुई। ये हाफिज कुरान था, इल्म हुनर का बेहद कदरदान था। इसकी फतवाहत का सिलसिला काफी दराज था और अक्सर बिला इस्लामिया के इसने फतह किया है। इसकी आदत थी कि किसी भी शहर की फतह करने के बाद वहाँ के इल्म हुनर और अपने सामने बिठाकर इनसे गुफ्तगू करता था। इसके शायरे शान कदरदानी करता था और बकिया जाहिल और बेहुनर लोगों को कत्ल करवा कर इनकी खोपड़ियों का मीनार बनवा देता था। ये तमाम चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं, जिस तरीके से हमारे पास भी लोग आया करते थे, मैट्रिक में टीचर्स आते थे, माँ बाप आते थे, लोग आते थे कि ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इल्म हुनर हासिल करें, तालीम हासिल करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वक्त है, अगर ये वक्त चला गया तो फिर आप आगे कुछ ऐसा नहीं कर सकेंगे। तो उसी की मिसाल मैंने आपको दी तैमूर लंग के सिलसिले में। अब उसको ही थोड़ा सा मैं डिफाइन करूँगा। इल्म हुनर की हर शख्स कदर करता है, यहाँ तक कि आपका दुश्मन भी। ये अहले इल्म हुनर ही हैं जिनसे किसी भी शहर और मुल्क की शिनाख्त कायम होती है। किसी भी मुल्क की सनत और हिरफत का निज़ाम, सियासी और माशी निज़ाम इन्हीं लोगों से चलता है। अहले इल्म हुनर और माहिर फ़नून की मिसाल एक ऊंचे और घने दरख्त की है, जिससे फल और साया दोनों ही मिलते हैं और इसी इल्म हुनर से दरख्त से खुशहाली और शोहरत के फल हासिल होते हैं। जहन तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है, मगर यह एक अलमिया है कि इंसान ने हमेशा जहन से ज़्यादा इस जिस्मानी ताकत पर भरोसा किया है, लेकिन हमेशा ताकत पर ही जहन ने ही फतह पाई है। ये एक हकीकत है कि बेहतरीन सलाहियतें और आला दिमाग अशखास ने हमेशा दुनिया को तामीर का तोहफा दिया है। इसके बरक्स सियासी बाजीगरों और ताकत पर भरोसा करने वालों ने इसे दुनिया को सिर्फ और सिर्फ तबाही और गारतगरी और जंग ही दी है। तशद्दुद और गारतगरी से हमेशा बस्तियों को उजाड़ा गया है, घरानों और ख़ानदानों को तबाह किया गया है। तो बेहतर यह है कि आप लोग इल्म हासिल करें, हुनर हासिल करें और आगे तरक्की के लिए काम करें, ताकि तालीम और तरक्की और अपने मुल्क की फतूहात में शामिल हों। आप इल्म हुनर में महारत हासिल करें और अपनी सलाहियतों को मुस्बत मकासद के लिए इस्तेमाल करें। इसके बाद आप देखेंगे कि तामीरात और तरक्कियात के मीनार खुद ब खुद बनते जाएंगे। बसूरत आप के लिए मुकद्दर होगा कि आप इस दुनिया से मायूसी और नाकामी की हालत में चले जाएं। जाहिल और बेहुनर की मिसाल इन खुद रूप पौधों की तरह हैं, जो खेतों में खुद तो उग जाते हैं और लहाती फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो इन्हें काट कर फेंक देना चाहिए। मगर अगर आप इल्म हुनर हासिल कर रहे होंगे, और कोई भी हुनर या कोई भी इल्म किसी को पीछे नहीं धकेलता, आगे ही बढ़ाता है, चाहे वो कोई गरीब हो, चाहे वो कोई ठेले वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको आगे बढ़ाता चला जाता है और वो तरक्की करता चला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी इससे कि तैमूर लंग ने किस तरीके से कदरदानी करता था और किस तरीके से उनसे गुफ्तगू करता। तो आप भी लोगों में उन लोगों में बैठें, उन लोगों से इल्म हासिल करें, उन लोगों से फैज़ हासिल करें जो आपसे ज़्यादा इल्म रखते हैं। तो उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में इंशाल्लाह। आपके लिए अल्लाह हाफिज़।